नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक कॉम्पैक्ट स्पीकर चाहिए, अच्छे ब्रांड की तरफ से चाहिए, JBL या सोनी जैसे ब्रांड की तरफ चाहिए, जो आपको इजी टू पोर्टेबिलिटी दे दे, अच्छी साउंड क्वालिटी, अच्छी बैटरी बैकअप के साथ में आपको अच्छा बिल्ड मटेरियल दे दे, तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हम करेंगे सोनी एंड JBL के दो बेस्ट कॉम्पैक्ट स्पीकर्स के बीच में डिटेल्ड कंपैरिजन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप 3,000 रुपए का बजट लेके चल रहे हैं तो आपको इन दोनों में से कौन सा स्पीकर परचेज करना चाहिए, कौन सा स्पीकर आपको ज्यादा अच्छी साउंड की क्वालिटी देगा। साथ ही इन दोनों ही स्पीकर्स के मैंने और भी बहुत सारे कंपैरिजन कर रखे हैं दूसरे स्पीकर्स के साथ में। अगर आप इनके और भी कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो वो आपको चैनल ओपन करके देखने को मिल जाएंगे। तो आप चैनल ओपन करके उन कंपैरिजन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करें इनके डिजाइन एंड बिल्ड मटेरियल की, तो डिजाइन आपके सामने है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको इन दोनों में से किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही स्पीकर्स में आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है। सोनी XB12 में आपको ऊपर की तरफ इसकी मेटालिक ग्रिल देखने को मिल जाती है, बाकी सारा बिल्ड आपको बहुत ही अच्छे प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। तो सोनी XB12 की बिल्ड क्वालिटी 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। इसकी बिल्ड क्वालिटी को काफी अच्छी टॉप नॉच बिल्ड क्वालिटी आपको सोनी XB12 में देखने को मिल जाएगी। एंड बात करें JBL के GO3 ब्लूटूथ स्पीकर की, तो इसमें भी आपको काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इसके यहाँ पे आपको सारा ये फैब्रिक लगा हुआ देखने को मिल जाता है, एंड इस फैब्रिक की क्वालिटी टॉप नॉच है। इसके ऊपर एंड नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सिलिकॉन रबड़ का यूज किया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी डेफिनेटली आपको दोनों में ही टॉप नॉच देखने को मिलेगी। दोनों की बिल्ड क्वालिटी से आपको कोई शिकायत नहीं रहने वाली है। उसके बाद देखने को मिल जाते हैं इनके स्पीकर की पोजीशनिंग। सोनी XB12 में आपको अप फायर स्पीकर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो इसका साउंड ऊपर की तरफ फायर करता है, जबकि JBL GO3 के स्पीकर को आप अपनी तरफ रख के सॉन्ग सुन सकते हैं इस पे, या फिर मूवीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे सोनी XB12 में मुझे इसका ये नेगेटिव लगता है कि इसमें अप फायर स्पीकर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से अगर सोनी XB12 को आप अपने डायरेक्शन में रख के सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसके सिलेंड्रिकल शेप की वजह से, जबकि JBL GO3 में ऐसा नहीं है। इसको आप अपने डायरेक्शन में रख के सुन सकते हैं या फिर इसको आप के अब फायर भी सुन सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कंट्रोल बटन्स की, तो कुछ ऐसे कंट्रोल बटन्स आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं। दोनों में ही आपको पावर ऑन ऑफ स्विच, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए बटन, दोनों में ही आपको ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए अलग से बटन देखने को मिल जाता है। एंड सोनी XB12 में आपको दो सोनी XB12 को पेयर करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जबकि GO3 में ऐसा है या नहीं है ये JBL ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है। अगर आपको पता है कि दो JBL GO3 को आपस में पेयर कर सकते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या दो JBL GO3 को आपस में पेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसके बाद बात करें इनके आयो की, तो JBL GO3 में आपको सिर्फ और सिर्फ USB देखने को मिलेगा, USB इनपुट देखने को मिलेगा इसको चार्ज करने के लिए। इसमें आपको कोई भी ऑक्स की कनेक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी, जबकि सोनी XB12 में आपको इसके रबड़ कैप के नीचे इसका आयो कंपार्टमेंट देखने को मिल जाता है, जहां पे आपको माइक्रो USB इनपुट देखने को मिल जाता है, इसका फैक्ट्री रिसेट बटन देखने को मिल जाता है, साथ में आपको ऑक्स इनपुट देखने को मिल जाता है इसको अगर आप ऑक्स से सुनना चाहते हैं। तो यहाँ पे JBL GO3 में आपको टाइप सी देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे अगर आप टाइप सी के साथ जाना चाहते हैं तो GO3 को परचेज कर सकते हैं, एंड अगर आप माइक्रो एसबी के साथ में ही जाना चाहते हैं तो आपको सोनी XB12 में माइक्रो एसबी देखने को मिल जाएगा। तो ये था इनका फिजिकल कंपैरिजन। अब बात करें इनके स्पेसिफिकेशंस कंपैरिजन की, देखते हैं दोनों के स्पेसिफिकेशंस में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो सोनी XB12 के ऊपर की तरफ इसका 10 वाट का स्पीकर देखने को मिल जाता है, जो फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स करता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का, जबकि JBL GO3 में आपको सिर्फ और सिर्फ 4.2 वाट RMS आउटपुट देखने को मिलता है, एंड JBL GO3 में आपको फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स 110 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज्यादा लोअर फ्रिक्वेंसी आपको XB12 में देखने को मिलेगी। उसके बाद बात करें इनके बैटरी की, तो सोनी XB12 में कितने MAH की बैटरी दी गई है ये सोनी ने कहीं भी मेंशन नहीं किया है, एंड सोनी XB12 का बैटरी बैकअप 16 घंटे का कंपनी की तरफ से क्लेम किया गया है, एंड रियल यूजेस में इसमें आपको 10 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप बड़े आराम से देखने को मिल जाता है। एंड GO3 में आपको 750 mAh की बैटरी दी गई है, जिसका बैटरी बैकअप 5 घंटे का JBL की तरफ से क्लेम किया गया है, एंड इसमें आपको 4.5 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है अगर आप इसको 80% या 90% वॉल्यूम पे सुनते हैं। GO3 को चार्ज करने में 2.5 घंटे का टाइम लगता है, वहीं XB12 को 0 to 100 फुल चार्ज करने में 3.5 घंटे का टाइम लगता है। बात करें इनकी कनेक्टिविटी की, तो JBL GO3 में आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, एंड ब्लूटूथ वर्जन इसमें आपको 5.1 देखने को मिल जाता है। एंड यकीन मानिए GO3 के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी बहुत ही क्विक है, आपके डिवाइस के साथ में ये
यूं कनेक्ट हो जाता है, चुटकियों में कनेक्ट हो जाता है, जबकि सोनी XB12 में आपको ब्लूटूथ 4.2 देखने को मिल जाता है एंड साथ ही इसमें आपको ओक्स कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है। उसके बाद दोनों ही स्पीकर्स में आपको IPX7 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है। GO3 में आपको IPX7 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, जबकि XB12 में आपको IPX67 की सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है। तो दोनों में ही आपको सेम सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो दोनों को ही आप पूल या शावर टाइम में यूज कर सकते हैं। GO3 में आपको माइक इनबिल्ट देखने को नहीं मिलता है, जबकि XB12 में माइक इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको माइक इनबिल्ट चाहिए, तो आप XB12 को परचेज कर सकते हैं। XB12 का अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो Amazon पे इसका 3000 का प्राइस चल रहा है एंड GO3 का भी आपको लगभग इतना ही प्राइस Amazon एंड Flipkart पे देखने को मिल जाएगा। दोनों का ही परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप दोनों को ही परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इनके स्पेसिफिकेशंस में डिफरेंस। अभी बात करें साउंड के डिफरेंस की, तो कर लेते हैं मैं कुछ सॉन्ग प्ले एंड देखते हैं आपको साउंड की क्वालिटी में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, कौन सा ज्यादा अच्छी साउंड की क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, कौन सा ज्यादा अच्छे वोकल्स मिड हाइज एंड बेस की क्वालिटी प्रोड्यूस करता है। तो दोस्तों ये था इनका साउंड टेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए कौन सा स्पीकर विनर था, सोनी XB12 या फिर JBL GO3। एंड साथ ही अगर आप इनका हिंदी एंड पंजाबी का साउंड टेस्ट देखना चाहते हैं तो वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं, इंस्टा का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें इनके साउंड की, साउंड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इनके वोकल्स पे।
कि वोकल्स में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छे वोकल्स प्रोड्यूस करके दे रहा है। जेबल गो 3 में आपको थोड़े से क्रिस्प एंड थोड़े से शार्प वोकल्स सुनने को मिलते हैं, जबकि XB12 में आपको काफ़ी बैलेंस्ड वोकल सुनने को मिलेंगे। दोनों के वोकल्स से आपको कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। दोनों में ही अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं तो उसके वोकल्स आपको क्लिस्टर क्लियर सुनाई देंगे। उसके बाद बात करें इनके ट्रेवल्स की, कि दोनों के ट्रेवल्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे JBL Go 3 के मिड एंड हाइज जो हैं वो काफ़ी क्रिस्प एंड क्लियर सुनाई देते हैं, जबकि XB12 के मिड एंड हाइज बैलेंस्ड हैं, काफ़ी बैलेंस्ड साउंड करते हैं। सोनी XB12 के मिड एंड हाइज इसका ट्रेवल जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड साउंड करता है। दोनों में ही आप हर एक इंस्ट्रूमेंट को हर एक बीट को सुन सकते हैं, बट JBL के ट्रेवल में एक क्रिस्पनेस आती है। अगर आपने कभी JBL का कोई स्पीकर सुन रखा हो तो आपने देखा होगा कि JBL के ट्रेवल में एक क्रिस्पनेस होती है, वो कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी लगती है सुनने में। पर्सनली मुझे भी इसकी क्रिस्पनेस जो है इसके ट्रेवल में, JBL के ट्रेवल में, वो पर्सनली मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आपको बैलेंस ट्रेवल चाहिए तो वो सोनी में सुनने को मिलेंगे। दोनों में ही आपको ट्रेवल्स बिल्कुल क्लियर क्रिस्प एंड काफ़ी अच्छे सुनाई देंगे। दोनों के ट्रेवल से आपको कोई शिकायत नहीं देखने को मिलेगी। अगर आपको JBL की क्रिस्पनेस चाहिए ट्रेवल्स में, गो 3 की तरफ जा सकते हैं। अगर आप बैलेंस ट्रेवल के साथ में जाना चाहते हैं तो आप सोनी XB12 की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद बात करें बेस की, तो JBL गो 3 में आपको फ्लैट बेस सुनने को मिलेगी। इसकी बेस का अमाउंट उतना अच्छा नहीं सुनने को मिलेगा जितना सोनी में आता है। सोनी XB12 में आपको थोड़ी सी पंची एंड डीप बेस सुनने को मिलती है, जबकि JBL गो 3 को अगर आप हायर वॉल्यूम पे प्ले करते हैं तो इसकी बेस जो है वो थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। तो JBL गो 3 की बेस आपको थोड़ी सी फ्लैट सुनने को मिलेगी, जबकि आपको सोनी XB12 में काफ़ी अच्छी बेस देखने को मिलेगी। काफ़ी अच्छा अमाउंट आपको बेस का देखने को मिलेगा सोनी XB12 में। तो यहाँ पे ओवरऑल साउंड की बात करें तो अगर आपको JBL की क्रिस्पनेस चाहिए, जो JBL की साउंड में आती है, JBL के ट्रेवल्स में आती है, JBL के वोकल्स में आती है, तो आप JBL गो 3 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए तो आप सोनी की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी बेस डीप चाहिए तो आप सोनी की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल साउंड की बात करें कि आपको कौन सा स्पीकर परचेज करना चाहिए, तो अगर आपको साउंड में क्रिस्पनेस चाहिए तो आप JBL गो 3 की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको बैलेंस साउंड चाहिए, थोड़ी सी डीप बेस चाहिए, थोड़ी सी पंची बेस चाहिए, तो आप सोनी XB12 की तरफ जा सकते हैं। दोनों का ही परचेज लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो उस लिंक पे से जाके आप इनका लेटेस्ट प्राइस भी चेक कर सकते हैं एंड इनको परचेज भी कर सकते हैं। एंड साथ ही इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, तो आगे आने वाले कंपैरिजन वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आप कोई भी आने वाले कंपैरिजन वीडियो मिस ना कर पाएं। सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।